मैं प्रिया आपके साथ। अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल के आसपास विरासती मार्ग व गलियारा में हुए बम धमाकों के बाद अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने सभी मुख्य द्वार पर स्कैनर लगाने की प्लानिंग की है। इसके तहत घंटाघर द्वार पर स्कैन मशीन का ट्रायल लिया जा रहा है। घंटाघर से दाखिल होने वाले हर व्यक्ति के सामान की मशीन से जांच की जाएगी। SGPC के अनुसार बीते दिनों हुए बम धमाकों के बाद सुरक्षा प्रबंधन पक्के करने के मकसद से ये कदम उठाया गया है। इन स्कैन मशीनों से श्रद्धालुओं द्वारा साथ लाए जा रहे सामान की चेकिंग की जाएगी। इस दौरान कुछ भी आपत्तिजनक पाए जाने पर सामान लाने वाले व्यक्ति को अंदर जाने से रोका जा सकता है। एडिशनल मैनेजर दरबार साहिब निशान सिंह ने बताया कि यह स्कैन मशीन सुरक्षा के मद्देनजर भी काफी फायदेमंद है। इस मशीन में स्कैन के समय बैग में रखी छोटी से छोटी चीज भी स्क्रीन पर दिख जाती है। इसके साथ ही बैग में क्या है उसका ब्योरा भी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। निशान सिंह ने बताया कि इस स्कैन मशीन के दोनों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। बैग रखने वाले और बैग ले जाने वाले व्यक्ति की तस्वीर इस मशीन में स्टोर हो जाती है। मशीन में 10 लाख तस्वीरें स्टोर करने की कैपेसिटी है। किस व्यक्ति ने किस समय सामान रखा व किस समय किसने सामान उठाया उसका पूरा ब्योरा इस मशीन में स्टोर हो जाता है। गौरतलब है कि गोल्डन टेंपल के आसपास बम धमाके करने वालों को SGPC टास्क फोर्स व CCTV सर्विलांस टीम ने ही पकड़ा था। बम धमाके करने वाले गोल्डन टेंपल की श्री गुरु रामदास जी सराय में ही रुके हुए थे और वहीं बम भी तैयार किए गए, जिसके बाद ही SGPC ने ऐसे प्रबंध करने का फैसला किया था जिसमें सभी आने वाले श्रद्धालुओं के सामान की चेकिंग की जा सके। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।